24 स्टार प्राइड बिजनेस क्लब का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन शहर के होटल रिजेंटा में किया गया था। इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में 24 स्टार प्राइड क्लब के सभी सदस्य उपस्थित थे। इंस्टॉलेशन सेरेमनी में प्रमुख उद्घाटक के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वही मुख्य अतिथि के रूप में सिटी प्रेसिडेंट महिला विंग की प्रगति पाटिल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रोग्राम के संयोजक 24 स्टार प्राइड क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख, उपाध्यक्ष अतुल कोटेचा, डॉक्टर प्रशांत रहाटे, नीलिमा बानी, डॉक्टर गुरुमुख ममतारी, जया आम्पोरे, पूनम गोयल, विशाल जयसिंह, 24 स्टार प्राइड क्लब के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद छामड़, कविता सिंघानिया, राजकुमार जैन, अमित अग्रवाल, नीरज जैन, शशिकांत सिंघानिया, मनीषा अग्रवाल, देवांग पांडे, माया द्विवेदी, विजय वर्मा, आकाश जैन, डॉक्टर अनिल डाकोले, ब्रिजमोहन तिवारी है। ये संपूर्ण विश्व का पहला बिजनेस क्लब है जो चैरिटेबल फाउंडेशन के अंतर्गत खोला जा रहा है, जिसकी वार्षिक फीस केवल 15,000 रूपए है, जिसमे 12 रिफल चैरिटेबल बिजनेस मीटिंग, 10,000 के गिफ्ट वाउचर, 1,00,000 का एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस एवं 12 मिनटर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस समय 24 स्टार प्राइड क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा जैन ने इस क्लब के कार्य को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये क्लब समाज में किस तरह का कार्य करता है। सबसे पहले 24 स्टार प्राइड क्लब का सर, आज हमने यहाँ पे एक बिजनेस क्लब बनाया है और मैं ये मानती हूँ कि बिजनेस क्लब में जितने अच्छे गाइड आप हैं उतने अच्छे गाइड इस इंडिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो रोड आपने बनाई, जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड, जो ब्रिजेस आपने बनाए, वो भी एक बहुत बड़ा माइंड है। और हम सब बिजनेस ओनर आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बिजनेस क्लब है सर, जो अंडर द चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन है, डेवलप को बिजनेस दिलाना और साथ में वो जो फंड कलेक्ट हो उससे सोशल वेलफेयर लेना। तो मैं एक छोटा सा, इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 24 स्टार प्राइड क्लब के संदर्भ में प्रतिक्रिया साझा की है। दोस्तों, ये महिला जो कार्य कर रही है, ये एक अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये एक छोटा कार्य नहीं है। इतने सारे लोगों को, पहले थोड़े से हमारे ये मेंटर्स लोगों को जमा किया इन्होंने, अपने 24 क्लब को जमा किया, इनकी सब की खूबियां इन्होंने बयान की। इसके बाद में कुछ मेंटर्स को जमा किया जो ट्रेनिंग देंगे, जो आप लोगों को दिशा और दशा देंगे, उन लोगों को जमा किया। देखिए, कोई भी मोतियों को जमा करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। मोती, हीरे, पन्ना, यू नो, बहुत अच्छे अच्छे ज्वेल्स आप जमा करके डब्बे में रख सकते हैं। डब्बे में रखने से उनकी कीमत नहीं होती है। वो ज्वेल्स को एक मामूली तागा जो होता है ना, वो तागे में पुरा के, हमारे साथ में ज्वेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्या नाम है भाई, आराध्य ज्वेलर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आराध्य ज्वेलर्स के मालक भी बैठे हुए हैं। तो ये जो एक मामूली धागा होता है, उसके अंदर ये ज्वेलर्स ज्वेल्स को पुराने का काम जो करते हैं और उसको एक सुंदर माला का रूप देते हैं, ये रूप देने का काम ऋचा जी ने किया हुआ है। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं। इस समय उपस्थित अतिथि प्रगति पाटिल द्वारा इस क्लब के कार्य की सराहना करते हुए क्लब को शुभेच्छा दी है। फिर मैं जब महिला बाल कल्याण चेयरमैन थी तो मैंने नागपुर शहर में रिसाइकल स्टोर ओपन किए थे, जिसे हम बोलते हैं कबाड़ी, लेकिन उसमें भी बहुत पैसा है। वो हमने महिला बचत गट के लिए वो कबाड़ी के दुकान खोल कर आज दी है। धर्मपेट जोन, आशीनगर जोन, सभी जगह पे ये बड़े पैमाने पे उनका सब चल रहा है। वो आजू बाजू के सब लोगों से पेपर, प्लास्टिक, देन ई वेस्ट, ये सब कलेक्ट करती है, उनसे खरीदती है और एक वेंडर आता है जो उनको पैसा दे के वो खरीद के लेके जाता है। तो ऐसे इसमें भी महिलाएँ बहुत आगे आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा महिला मोर्चा यही चाहता है कि हमारे नागपुर शहर में एक अच्छा समाज बने, इस समाज में बच्चों को भी रोजगार मिले। क्योंकि देखिए, बच्चे हमारी संस्कृति छोड़ के कहीं भटक रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं रोजगार नहीं है, कहीं एजुकेशन नहीं है, कभी कभी हेल्थ में डिप्रेशन में जाके भी बच्चे कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं। आज इस क्लब का इंस्टॉलेशन सेरेमनी संपन्न हुआ, जहां सभी सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उपस्थिति में क्लब के नियमों के एवं जिम्मेदारी कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ग्रहण की।
स्टार प्राइड क्लब 24 स्टार प्राइड क्लब चैरिटेबल फाउंडेशन का सदस्य बनाए जाने के बाद शपथ लेता हूँ कि चैरिटेबल फाउंडेशन और मेरे क्लब का पालन करूँगा और उनका पालन करते हुए सदस्यता का सभी जिम्मेदारियों का और कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार निभाऊंगा। शपथ ग्रहण करने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 24 स्टार प्राइड बिजनेस क्लब को शुभेच्छा देते हुए कहा कि समाज में सेवा देने के उद्देश्य से सभी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने एकत्रित होकर इस क्लब की स्थापना की है। समाज के जरूरतमंद लोगों को सेवा देने का भाव इस क्लब का है। इस कार्य में आपको सफलता मिले। सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके जीवन में अंधेरा है, चाहे वो दिव्यांग हो, सीनियर सिटीजन हो, गरीब लोग हो, उनकी हम सेवा करेंगे और उनके जीवन में आनंद निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और हम सब तो आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से अपने जीवन में यशस्वी हैं, पर हमारे परिवार को संभालते हुए समाज के ऐसे लोगों के लिए भी हम सेवा करते रहेंगे, इस प्रकार का भाव आपके इस क्लब के पीछे है। मैं हृदय से ऋचा जी को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी इस कार्य में भगवान के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज मैं बहुत देरी से, अनेक कार्यक्रम हैं और मुझे देरी हुई है, तो मैंने तय किया था कि 5 मिनट के लिए क्यों मैं आपके पास आऊँ, इसलिए मैं ज़रूर आपको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुभेच्छाएं, धन्यवाद। आप भी समाज के लिए कुछ करने या सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं या इस क्लब से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप ही इस 24 स्टार चैरिटेबल बिजनेस क्लब के मेंबर बनना चाहते हो तो डॉक्टर ऋचा सुनी क्लिनिक में संपर्क करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।